अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल में इमाम एंड माल्टा टीवी में। और मैं रहता हूँ माल्टा में, और जो ओरिजिनल बात होती है ना, एकदम प्योर खर्री वाइट दूध वाली, वही बात बतलाता हूँ अपने YouTube पर, ठीक है ना। आज ऐसा वीडियो लेके आया हूँ, आदमी को थोड़ी आँखें खुले। जो इधर उधर पैसा खर्चा कर रहे हैं वो लोग अपॉइंटमेंट के लिए, तो आज देखिए मैं अकबर को, मैंने बोला ना 14 तारीख को मैं कुछ ना कुछ खुलासा करूँगा, तो अभी मैं तो अपने जहर से अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलूँगा। आप वीडियो देखिए, जो दो वीडियो अटैच करूँगा मैं, बॉम्बे की वीडियो है और VFS ग्लोबल के लिए, ठीक है ना। शॉर्ट स्टे में मैंने बुक करके दिया हुआ था और मैंने अपना 30,000 रुपये मैंने नुकसान किया, बट आई एम हैप्पी हूँ मैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 30,000 लॉस हो, मेरा हो जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट और पब्लिक का तो ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई जितने भी हैं सब्सक्राइबर, चाहे जितने भी पूरे इंडिया में जितने भी वीडियो देख रहे हैं, अपॉइंटमेंट के सिलसिले में बता रहा हूँ आपको, अकबर को मैं भेजा हूँ ऑलरेडी, और ये वीडियो आप देखें, देखने के बाद आपकी आंखें खुलेगी। भाई मैंने शॉर्ट स्टे में बहुत आदमी को शॉर्ट स्टे में भी एजेंटों ने बुक करके दिया हुआ, तुम्हारा फाइल सबमिट हो जाएगा, पर अंदर एम्बेसी में भी क्या बोला अकबर के साथ में, आप ये पूरा वीडियो देखें, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ या मेरा आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने ट्रेन का टिकट भी उसको बुक करके दिया, सेकंड एसी का, आने का भी थर्ड एसी का मैं बुक करके दिया हूँ, ठीक है ना। अभी वो आ जा रहा है, सुबह फिर पहुँच जाएगा राजस्थान में। हमारा ट्राई करने के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, थोड़ा वेट करें, जैसा अपॉइंटमेंट आएगा मैं जरूर जितना जल्द हो सके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा, ठीक है भाई। ये शॉर्टकट में यही चीज़ आप लोगों को बोलना था, और आप लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप किसी को पैसा मत दें, किसी एजेंट के झांसे में मत आएँ। बहुत आदमी शॉर्ट स्टे भी दे रहे हैं, मैंने शॉर्ट स्टे में ही बुक कर करके भेजा हुआ था और मैंने अपना पैसा भी बर्बाद किया है, बट मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं हैप्पी हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे पास देखिए आदमी, मैंने पहले बता रखा कितना आदमी अप्लाई किया हुआ है मैंने, बट तो उसमें मैं थोड़ा मैनेज कर सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप वीडियो देखें, किसी को पैसे मत दें, आप दिमाग को एकदम ठंडा करके रखें, अपॉइंटमेंट मिलेगा, जनवरी इंतज़ार करें बस, जनवरी, ठीक है। तो जैसा भी अपडेट आएगा मैं ज़रूर दूंगा, आप ये वीडियो देखें, मैं टच कर रहा हूँ। वर्क वीज़ा के लिए डी कैटेगरी में, तो मैंने शॉर्ट स्टे का बुक किया, अपॉइंटमेंट बुक किया, अपना फाइल रेडी किया, उसके ऊपर खर्चा भी हुआ है, टिकट भी बुकिंग किया है, होटल भी बुकिंग किया है, यहाँ आने का खर्चा भी लगा है। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं कि ये लोग एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो कैटेगरी में नहीं लेंगे ये लोग फाइल। आपका अगर वर्क वीज़ा का अपॉइंटमेंट है तो ही, लॉन्ग टर्म लॉन्ग स्टे का वीज़ा का अपॉइंटमेंट है तो ही आपका वो लोग लेंगे, नहीं तो वरना वो दूसरी कैटेगरी में वो लोग नहीं लेंगे। तो मैं अंदर गया था, अंदर जाके टोकन भी मैंने लिया, टोकन लेने के बाद मैडम के पास गए, देखो आपके पीछे देखो बिल्डिंग है, सामने दिख रहा है ना बिल्डिंग के साथ में वीडियो में, ये VFS ग्लोबल का बॉम्बे का है, ठीक है। तो मैडम ने मेरा पूरा फाइल चेक किया और वो अपॉइंटमेंट चेक किया, बोला आपका अपॉइंटमेंट तो शॉर्ट स्टे का लिया आपने, और आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए वीज़ा के लिए, तो ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। बोला, मैं बोला भाई मैडम क्यों, क्योंकि मेरे को मिल रहा नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो यही रास्ता है, मैंने इसके पीछे खर्चा भी किया है, मेरा पैसा भी लॉस हुआ है। बोला आपका हुआ है मैं मानती हूँ, लेकिन उसी में हम लेंगे, तो अगर आप इसी में जमा करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन आपका लॉस होगा। मैं बोला वो कैसे, बोला अभी हम आपका बायोमेट्रिक करवा दें, आपका फाइल ले लेंगे, एम्बेसी फाइल भेज देंगे, क्योंकि एम्बेसी फाइल भेजेंगे तो जाहिर है कि ये साथ में अपॉइंटमेंट भी साथ में जाएगा पेपर, तो वो लोग देखते हैं उसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट करके आपका पासपोर्ट आपके घर पे भेज देंगे वो लोग, ठीक है। उसमें वो लोग एक कमेंट लिखेंगे कि भाई आपने ये शॉर्ट स्टे का अपॉइंटमेंट बुक किया और आपको चाहिए वीज़ा लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग स्टे का, तो इसलिए आपका पैसा लॉस होएगा 12-13 हज़ार रुपये, और कुछ भी नहीं होगा, फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा आप ट्राई कीजिए, ठीक है ना, डी वीज़ा के लिए ट्राई कीजिए, या डी वीज़ा नहीं मिलता है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, ठीक है, वर्क वीज़ा के लिए, ठीक है, वर्क वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। मैं बोला भाई मैडम मिलता नहीं है वो, तो उसके लिए क्या करें। तो बोला ठीक है, आप है ना एक काम कीजिए, एम्बेसी माल्टा को मेल कीजिए कि भाई मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, क्योंकि मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। अगर उससे बात नहीं मिले तो आप हाई कमीशन माल्टा को मेल कीजिए, तो वो लोग हो सकता आपको एक डेट दे दें, किस इंडिया में कोई भी सेंटर है उसमें डेट दे के आपको बुला लेंगे और आपका फाइल सबमिट हो जाएगा, यही रास्ता कि, ठीक है, और दूसरा रास्ता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बेकार में किसी के पीछे चक्कर नहीं काटो,
एजेंट के पीछे, एजेंट क्या है, एजेंट मांगते 50,000 60,000 70,000 रुपये सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर के लिए, सिर्फ आपका पैसा लॉस करने के लिए, वो भी दो नंबर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आया हूँ आज बॉम्बे VSF ग्लोबल में। मेरा अपॉइंटमेंट था साउथ ईस्ट सेंगिन वीज़ा के लिए, क्योंकि अभी वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट तो मिल रहा नहीं है, इसलिए मैंने इसमें बुक किया था। तो मैं अंदर गया फाइल लेके, और टोकन भी मैंने लिया, तो आगे जाए अकाउंटर में मेरा फाइल चेक हुआ, तो उन्होंने बोला कि भाई आपका साउथ ईस्ट सेंगिन वीज़ा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बोला मैंने बोला भाई क्यों नहीं है, बोला इसमें आप साउथ ईस्ट वीज़ा नहीं ले रहे हो, आप लॉन्ग टर्म वीज़ा ले रहे हो, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आपको वर्क वीज़ा का अपॉइंटमेंट चाहिए, तो उसके लिए वो लेके आए तो आप जमा करा सकते हो। मैं बोला मैम वो मिल रहा नहीं है हमको, क्या करें, बहुत दिन से हम ट्राई कर रहे हैं और उसका स्लॉट अवेलेबल भी नहीं है, स्लॉट नॉट स्लॉट बताते हैं नॉट अवेलेबल, तो उसका क्या करें। तो बोलते हैं मिलेगा, थोड़ा सब्र कीजिए, कुछ दिन वेट कीजिए, आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप हाई कमीशन को मेल कीजिए, एम्बेसी में मेल कीजिए, आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ डेट मिल जाएगा आपको, कहीं का भी सेंटर है आपको मिल जाएगा। तो बोला मैम कुछ हो सकता है क्या इसके लिए कि भाई हम इसमें जमा करा दें आज? तो बोला आज आपका नहीं होगा, क्योंकि हम मुश्किल नहीं है, हम आपका ले लेंगे आज, ठीक है, और आपका बायोमेट्रिक फिंगर भी हम करा देंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी क्यों, आपको 12-13 हज़ार रुपये वीज़ा का फीस है वो लग जाएगा, और एक महीने के बाद आपको पासपोर्ट घर पे जाएगा, तो उसमें वो पेपर कमेंट्स आएगा, बोलेगा भाई आपका जो लॉन्ग टर्म वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म तो आपने भरा था, लेकिन आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर वो नहीं था, शॉर्ट स्टे का था, तो इसलिए आपका रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए आपका ही लॉस है। तो ऐसा करें आप वो अपॉइंटमेंट बुक करें वर्क वीज़ा का, तो हम ले लेंगे। तो ये अपना है इधर VFS ग्लोबल, देख लीजिए, आया हम लोग इधर आए हैं, तो ये बिल्डिंग है VFS ग्लोबल का, ये देखो नज़र आ रहा है बॉम्बे का, ठीक है। और सभी भाइयों को इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अच्छा ठीक है मेरे भाई, आपको डॉक्यूमेंट भी चेक करा देता हूँ। देखो मैं लेके आया था फाइल, ठीक है, ये देखो मेरा अपॉइंटमेंट फाइल है, ये मेरा अपॉइंटमेंट फाइल है, ठीक है, आज का ये मेरा अपॉइंटमेंट बुक किया हुआ था साउथ ईस्ट सेंगिन के अंदर, तो इसमें नहीं हुआ, वो बोलते हैं वो वर्क परमिट का लेके, ये मेरा वीज़ा अप्लीकेशन फार्म है, ये मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है, फाइल चेक किया, फाइल बोलता फाइल बराबर आपका, फाइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका इसमें जमा नहीं होगा फाइल, हाँ जमा कर लेंगे लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका पैसा लॉस होएगा। ये मैंने टोकन भी लिया था, देखो ये देखो टोकन भी मैंने लिया, ठीक है, इसका टोकन का